गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फंजाई के बारे में टाइप स्टडी शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके सिलेबस के हिसाब से राइजोपस के बारे में हम देखेंगे, उसकी किस तरह की लाइफ साइकिल है और किस तरह की हैबिटेट है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि फंजाई में कितनी डाइवर्सिटी है हैबिट और हैबिटेट में, ये यूबिक्यूटस डिस्ट्रीब्यूशन इनका है, ये सब जगह मिलते हैं मेजॉरिटी फंजाई, और कितनी डाइवर्सिटी इनके रिप्रोडक्शन में है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब हम राइजोपस के बारे में बात करते हैं तो इसको समझना ज़्यादा आसान आपको हो जाएगा, क्योंकि आपके को आप फेमिलियर हैं इनकी हैबिट और हैबिटेट से, इन फंजाई की हैबिट और हैबिटेट से। राइजोपस एक ऐसा फंगस है जो कि लोअर फंजाई को बिलोंग करता है। जब हम लोअर फंजाई की बात करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लोअर फंजाई में प्लांट बॉडी बहुत सिंपल है, सिनोसिटिक प्लांट बॉडी होती है जिसमें एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। उसके साथ साथ राइजोपस वो जीनस है जो कि बहुत ईजीली कंटामिनेट करता है, बहुत ईजीली इसकी ग्रोथ हो जाती है। अगर आप दो दिन के लिए ब्रेड को गीला करके रख दें, थर्ड डे आप उसमें राइजोपस के हाइफी और उसके एसेक्सुअल स्पोर्स आप देखेंगे। तो ये जो जीनस है, इट बिलोंग्स टू जाइगोमाइकोटिना। इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, माइकोटा किंगडम माइकोटा है, इसमें डिवीजन है यू माइकोटा में ही आता है, दिस इज किंगडम, ये डिवीजन है यू माइकोटा, ये सब डिवीजन है। अब हम इसके बाद सब डिवीजन के बाद इसका क्लास देखेंगे, ये जाइगोमाइसिटीज, फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर की हमने बात की थी, ये क्लास है। क्लास के बाद हम देखते हैं इसका ऑर्डर है म्यूकरेज। And the family is Mucoraceae and genus is Rhizopus. सबसे कॉमन जेनरा जो इस फैमिली के हैं म्यूकरेसी के, राइजोपस और म्यूकर बहुत कॉमन हैं, जो यूबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी फ्रेश ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है अगर उसके ऊपर, ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इनके जो स्पोर्स हैं वो एयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और एयर से कंटामिनेट किसी भी चीज़ को, कोई फ्रेश फ्रूट्स हैं या किसी कोई भी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, सॉइल में और या कहीं पर भी एयर में, ये सब जगह मिलते हैं। सेप्रोफिटिक फंगस है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स आप जानते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर ग्रो करते हैं, और कुछ स्पीसीज की माइल्ड पैरासाइट्स की तरह से भी रहती हैं। माइल्ड पैरासाइट्स जो हैं वो फ्रूट्स में जैसे बेरीज हैं या स्वीट पोटैटो है या टोमाटो है या पोटैटो है, इसके ऊपर माइल्ड डिजीज कॉज करते हैं, जिन डिजीजेस को हम कहते हैं रॉट, रॉट ऑफ पोटैटो, रॉट ऑफ टोमाटो, रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो या स्ट्रॉबेरीज या कोई भी बेरीज के ऊपर इनका माइल्ड इन्फेक्शन दिखता है। तो ऐसे जो स्पीसीज हैं राइजोपस की वो माइल्ड पैथोजेंस कहलाती हैं, बट मेजॉरिटी स्पीसीज जो इसकी हैं दे आर सेप्रोफाइट्स। और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमने फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पहले डिस्कस की है, राइजोपस की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्टिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स,
ये और उसमें माइल्ड डिजीज कॉज करने के अलावा राइजोपस जो जीनस है इसका यूज इंडस्ट्री में बहुत है, कई इंजाइम्स बनाने में, अमाइलेज बनाने में, कॉर्टिसोन बनाने में और कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में इसका बहुत यूज होता है। इसको हम कॉमनली ब्लैक मोल्ड कहते हैं, इसका कॉमन नाम ब्लैक मोल्ड है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये क्योंकि बिलोंग करता है जाइगोमाइकोटिना में या जाइगोमाइसिटीज में, इसमें ये हमेशा लोअर फंगस है। लोअर फंगस का मतलब है कि प्लांट बॉडी हमेशा सेप्टेट, ये सेप्टा इसमें एब्सेंट होंगे, सिर्फ ए सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें दिखाई पड़ेगी। ब्रांच्ड मैट की तरह से ब्रांच फिलामेंट इसका होता है और ये ब्रांच फिलामेंट इसमें अगर ज्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है तो इसमें हम अक्सर देखते हैं कि स्टोलेंस दिखाई पड़ते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके जो बाकी जेनरा हैं इस ग्रुप में आने वाले उसमें ये स्टोलन लाइक लॉन्ग फिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं दूसरे हाइफी से और इसको हम स्टोलेंस बोलते हैं। एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जब ये ग्रोथ इसकी, इसको एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी मिलती हैं तो इसकी लगातार ग्रोथ होने से आपको बहुत मैट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ये सारे हाइफी एक दूसरे से इंटेंगल होके एक मैट लाइक स्ट्रक्चर, और आप अगर इसको लेबोरेटरी में कल्चर करेंगे तो आपको एक बड़ी प्रोमिनेंट कॉलोनी दिखाई पड़ेगी लेबोरेटरी के मीडियम के ऊपर। तो ये सेप्रोफिटिक फंगस है, आप इसको लेबोरेटरी में भी ग्रो करा सकते हैं, अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देखे, टेम्परेचर और उसमें न्यूट्रिशन देके उसको ग्रो करा सकते हैं। इस तरह से ये एक्सटर्नल फीचर्स इसके बड़े प्रोमिनेंट हैं। इसमें लॉन्ग एरियल ब्रांचेस होती हैं जिनके ऊपर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन इस जीनस में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने पहले जो डिस्कस किया हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स होते हैं जिसमें कि स्पोर्स बनते हैं, तो राइजोपस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं। जब स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाता है तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर आके जर्मिनेट करते हैं और नया माइसिलियम बनाते हैं। इसके अलावा इसमें मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्लेमाइडोस्पोर्स बहुत कॉमन है। क्लेमाइडोस्पोर्स आप जानते हैं कि इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर होते हैं, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइसिलियम के बीच में या टर्मिनल पार्ट में बन जाते हैं कभी कभी, इस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल जब नहीं होती हैं। और ये जो माइसिलियम है वेजिटेटिव माइसिलियम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाता, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस को। तो ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, थिक वॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स, यही रह जाते हैं। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ये क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट करके नया हाइफी बनाते हैं जो कि सिनोसिटिक फिर से होगा। इसकी ज़्यादातर स्पीसीज दे आर हेटरोथैलिक। अब हम हेटरोथैलिक की जब बात करते हैं, ये टर्म आपको हमेशा राइजोपस या म्यूकर के संदर्भ में ही सुनने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि राइजोपस बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़्यादातर स्पीसीज में दो तरह के स्ट्रेन्स आपस में फ्यूज करते हैं, एक प्लस स्ट्रेन होता है एक माइनस स्ट्रेन होता है। प्लस और माइनस स्ट्रेन हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि एक कुछ तरह के स्पोर्स के जर्मिनेट करने से एक टाइप के हाइफी बनते हैं और दूसरे स्पोर्स के जर्मिनेट, दूसरे फिलामेंट के से निकलने वाले स्पोरेंजियोस्पोर्स से जर्मिनेट होने वाले जो हाइफी हैं वो माइनस स्ट्रेन के हैं। वो चाहे देखने में एक से हैं लेकिन उनका जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, इसलिए हम उनको प्लस और माइनस के हाइफी बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन के मामले में राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने कहा क्लेमाइडोस्पोर्स से होता है, कभी कभी आर्थ्रोस्पोर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। आर्थ्रोस्पोर्स आपको मालूम है ये हाइफा है, और आर्थ्रोस्पोर्स बनने के समय में ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इट ब्रेक्स अप इंटू स्मॉल पोर्शन, और ये स्मॉल पोर्शन एक दूसरे से अलग होके फिर से एक नया हाइफा बना देते हैं। हर पोर्शन एक नया हाइफा बना देता है, मल्टी न्यूक्लिएट पोर्शंस हैं, और ये इनको हम आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। तो आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, और कभी कभी इसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन है। फ्रेगमेंटेशन तो उन सारे फंजाई में बहुत कॉमन होता है जिसमें कि प्लांट बॉडी फिलामेंट के फॉर्म में होती है, और फ्रेगमेंटेशन का कोई टाइम नहीं होता है, ये कभी भी नेचर में हो सकता है। किसी भी तेज हवा चली तो उसकी वजह से फिलामेंट ब्रेक हो गया, जितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ हर पार्ट फिर से एक नया फिलामेंट बना देता है, नया हाइफा बना देता है। तो इस तरह से तीन मेथड्स इसमें देखने को मिलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, क्लेमाइडोस्पोर्स, फ्रेगमेंटेशन एंड आर्थ्रोस्पोर्स, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, एक हाइफा है जिस समय इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स या एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, वो हमेशा उस टाइम में बनते हैं जबकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी होने से मतलब क्या है कि ऑप्टिमम जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर हो, नेचर में ह्यूमिडिटी हो, और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाटर कंटेंट उसमें अप्रोप्रिएट हो, उस टाइम अगर ये हाइफा, एक हाइफा से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सिनोसिटिक हाइफा है इसका, और इस सिनोसिटिक हाइफा में जिस टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये ब्रांच्ड हाइफा एरियल ब्रांचेस, इसमें इरेक्ट ब्रांचेस बन जाती हैं, और ये इस तरह की इरेक्ट ब्रांचेस ऊपर जाके इसमें सोलन पोर्शन, इसका एरिया टिप वाला पोर्शन में स्वेलिंग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जितना इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है, ये सब न्यूक्लियाई और प्रोटोप्लाज्म यहाँ माइग्रेट करते हैं एंड दे एक्यूमुलेट हियर। यहाँ पर जमा हो जाने की वजह से ये पोर्शन आपको राउंड दिखाई पड़ता है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है इस जगह पर, ये राउंड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और जब ये राउंड इसके बन जाता है, इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियाई आ गए और प्रोटोप्लाज्म, ये जो आपको ब्लैक से दिखा रखा है ये न्यूक्लियाई है, और ये सब प्रोटोप्लाज्म है, इसमें ये प्रोटोप्लाज्म यहाँ से माइग्रेट हुआ है, क्योंकि एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है तो ये इधर माइग्रेट हो गया, और जब ये पूरा मेच्योर होने लगता है उस समय इसके बेस में एक सेप्टम डेवलप हो जाता है। कभी भी ये सेप्टेट हाइफी नहीं होते इसके, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन द सेप्टम डेवलप्स एट द बेस ऑफ दिस एसेक्सुअल बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, इसकी एरियल ब्रांच को हम कोनिडियोफोर कहेंगे, और मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। स्पोरेंजियोफोर कई किताबों में आप देखेंगे कोनिडियोफोर लिखा है, लेकिन स्पोरेंजियोफोर। अब ये जो स्पोरेंजियोफोर है, इसका टर्मिनल पोर्शन जो सोलन होता है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसको जो ये इसको होल्ड करता है वो वाले पार्ट को हम स्पोरेंजियोफोर बोल रहे हैं, और ये स्पोरेंजियम है। मीन टाइम क्या होता है कि जितना इसके अंदर न्यूक्लियाई और प्रोटोप्लाज्म हैं, ये अपर साइड में माइग्रेट करते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन इसके बीच में एक पार्टीशन वॉल बन जाती है, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियाई या प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, सारा न्यूक्लियाई और प्रोटोप्लाज्म ऊपर के पोर्शन में चले जाते हैं। इस पार्टीशन वॉल को हम कहते हैं कॉल्यूमेला। तो ये बताने का मतलब ये है कि दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
zygomycetes and particularly rhizopus and other genera like mucor. उन सभी में इस तरह का एक कॉलुमेलास में बनेगा और इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है ये स्पोरेंजियम प्रॉपर ये वाला पोर्शन होगा जिसको हम जो कि फाइनली तैयार हो गया है. अब इसके अंदर जितने न्यूक्लियाई हैं दे डिवाइड एंड रीडिवाइड. अगर हम इस ऊपर वाले पोर्शन को देखेंगे इस पोर्शन को इसमें ये कॉलुमेला है इसमें ये न्यूक्लियाई है इसको एनलार्ज करके मैंने दिखाया है यहाँ पर और प्रोटोप्लाज्म है. तो होता क्या है कि प्रोटोप्लाज्म इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है. इस तरह से हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और फाइनली ये मेटामॉर्फोसिस से ये छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये जो स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बन गए और दे मल्टीप्लाई. इनमें डिविजन लगातार होता रहता है और मल्टीप्लाई होने के बाद दे एक्सर्ट प्रेशर एक तरह का प्रेशर अंदर से क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इस स्पोरेंजियम की वॉल बस्ट हो जाती है. तो नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या दिखेगा कि ये कॉलुमेला इसी तरह से दिखाई पड़ेगा. कॉलुमेला की के बनने का क्या कारण है क्यों ये बनता है क्योंकि ये मैकेनिकल कारण है. ये इसको मैकेनिकली इनको रिलीज होने में मदद करता है. कॉलुमेला इन स्पोर्स को बाहर निकलने में हेल्प करता है. तो इसके अंदर जितने भी ये स्पोर्स बने हैं इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं. स्पोरेंजियम के अंदर क्योंकि बनते हैं हम इनको स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं और ये लार्ज नंबर में स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं जिनके जो कि बाद में मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं. इनके अंदर कई सारे न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं. बाहर निकलने के बाद ये बस्ट करता है ये वाला पोर्शन इसका और आप देखेंगे ये कॉलुमेला इसी तरह से रहा ऊपर का पोर्शन बस्ट हो गया. ये बस्ट हो गया तो सारे जो स्पोर्स हैं ये इसके स्पोर्स हैं ये सब बाहर आ जाते हैं और यही स्पोर्स जो हैं ये वाला स्पोरेंजियम का पोर्शन ये बस्ट हुआ है यहाँ पर ये कॉलुमेला वाला पोर्शन है. तो इस तरह से बड़ा सिंपल इनकी लाइफ साइकिल है कि कैसे ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बन गए इसके अंदर कैसे कॉलुमेला डेवलप हुआ और कैसे सारा प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ चले गए. ऊपर की तरफ जाने के बाद दे एक्सर्ट ए प्रेशर एंड दिस वॉल ऑफ स्पोरेंजियम बस्ट एंड दे आर रिलीज्ड आउटसाइड. अब एक अगर स्पोरेंजियोस्पोर को देखेंगे तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है. तो इतने लार्ज नंबर में ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं तो इनके जर्मिनेशन से उतने सारे हाइफी बन जाते हैं. हर एक स्पोरेंजियोस्पोर जर्मिनेट करेगा एक जर्म ट्यूब डेवलप करेगा और ये मल्टी न्यूक्लिएट जो न्यूक्लियाई जो कंडीशन है इसके अंदर ये न्यूक्लियाई continuously they divide and redivide and finally they give rise to a multinucleate and aseptate multinucleate hypha which becomes very much branched or develops stolons. Isme stolon presence of stolons is the characteristic feature of rhizopus. Jabki aap rhizopus ko dekhenge iske sath hi ek bada aur common जीनस है जो जिसको हम म्यूकर कहते हैं. म्यूकर और राइजोपस की लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट एक जैसी है. डिफरेंस इसमें यही है कि राइजोपस के केस में आपको स्टोलन्स दिखाई पड़ेंगे. मैंने बताया था आपको कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं जिनको हम स्टोलन्स बोलते हैं. प्रेजेंस ऑफ स्टोलन्स इज सीन ओनली इन राइजोपस नॉट इन म्यूकर. तो ये बाहर निकल के फिर से इस तरह का एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें हो जाएगी और ये लग्जूरियंट ग्रोथ मैट की तरह से ग्रोथ इनकी हो जाएगी एंड देन दे अटैक एनी फ्रेश सबस्ट्रेट. कोई भी फ्रेश सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं ये चाहे ज़्यादा डिजीज कॉज नहीं करते लेकिन ये स्पॉइलेज का काम करते हैं. किसी भी जगह पर अगर आप अपना कर्ड रखेंगे या ब्रेड रखेंगे कोई भी फूड आइटम्स रखेंगे फ्रूट्स रखेंगे तो इनकी ग्रोथ एकदम से सबसे पहले ये ग्रो करता है और कोई भी चीज़ को स्पॉइलेज
में बहुत इसका रोल है इस फंगस का। अब इसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उसका फायदा यह है कि इट परपिचुएट्स द स्पीसीज। परपिचुएट का मतलब क्या है कि इस फंगस की लग्जूरियंट ग्रोथ होने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें स्पोरेंजियो स्पोर्स बन रहे हैं वो इतने लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, उनकी उनके हर एक के जर्मिनेशन से जो शुरू में ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फंगस की ग्रोथ हो जाती है। शुरू में अच्छी तरह से यह डेवलप हो जाता है और जब ग्रोइंग सीजन ख़त्म हो जाता है, जब ह्यूमिडिटी कम हो गई, टेम्परेचर उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस टाइम ये कोई भी फंगस हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब है कि हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है जब एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं रह जाती हैं। तो उसका रीज़न कई बार आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बोल रही हूँ कि उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस जब अनफेवरेबल हो जाएंगी उस समय एक हाइफा या एक स्पोरेंजियो कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर में इतनी विगर या इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि वो अपने आप ही अकेला अपने परपिचुएट करे। इट रिक्वायर्स वन मोर हाइफा, दो हाइफी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि डिप्लीशन है, न्यूट्रिशन का डिप्लीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो उसकी ताकत उतनी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उस समय ज़रूरत पड़ती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल नहीं रहती हैं। तो अब हम अगर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक फिनोमिनन है हेटरोथैलिज्म। हम हेटरोथैलिज्म का फिनोमिनन का एग्जांपल हमेशा राइजोपस या म्यूकर या मेंबर्स ऑफ म्यूकरेसी जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स से ही बताते हैं कि हेटरोथैलिज्म की क्या प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि इसमें इन स्पोरेंजियो स्पोर्स के जर्मिनेशन से ये हाइफी बने, इस तरह के हाइफी बने। तो एक हाइफा ने अगर इस तरह के एक हाइफा से निकले हुए स्पोरेंजियोस्पोर्स, कई सारे हाइफा में इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में होता रहता है, एक हाइफा से निकले हुए स्पोरेंजियोस्पोर्स जो बने, इन्होंने ये हाइफा बनाया। एक और दूसरे स्पोरेंजियम से निकले हुए जो स्पोरेंजियोस्पोर्स थे उन्होंने ये दूसरा हाइफा बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइफा है ये डिफरेंट स्पोरेंजियम से आया है, ये वाला हाइफा है वो एक डिफरेंट स्पोरेंजियम से आया है। तो इसको ये प्लस की तरह से स्ट्रेन करता है, इसमें इसका जेनेटिक मेकअप को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कह देते हैं कि प्लस स्ट्रेन का है, इसमें प्लस स्ट्रेन का ये हाइफा है। प्लस स्ट्रेन से मतलब क्या है, वी कॉल इट फीमेल, ये एक्ट करता है फीमेल की तरह से। ये दूसरा है ये माइनस स्ट्रेन की तरह से काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ही स्पोरेंजियम से निकले स्पोरेंजियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से नहीं होता है, बल्कि अलग अलग स्पोरेंजियम के अंदर से निकले हुए जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं उनके जर्मिनेशन से जो हाइफी बने वो दो डिफरेंट स्ट्रेन की हाइफी हैं। तो जिस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने ये बात शुरू में ही कही थी कि राइजोपस के केस में हेटरोथैलिक स्पीसीज है। इसका मतलब क्या हुआ, हेटरोथैलिक मतलब दो जो थैलस हैं दो डिफरेंट स्पोरेंजियोस्पोर से के जर्मिनेशन से आए हैं। तो अगर ये प्लस स्ट्रेन का हाइफा है, ये मान लीजिए छोटा सा मैं इसमें डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि टाइम इसमें वेस्ट होता है, तो मैंने बताया आपको कि ये एक हाइफा है और ये दूसरा हाइफा है, इसमें ब्रांचेस भी होंगी, ब्रांचेस अभी बनाई नहीं है यहाँ पे। तो ये एक माइनस स्ट्रेन का हाइफा है, ये प्लस स्ट्रेन का हाइफा है। तो जिस समय इसमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफी एक दूसरे के
पास में आते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर. तो ये नेचर में देखिए ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में इस तरह का प्रोसेस होती है, लेकिन प्लांट्स में भी, वो भी इतने लोअर प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होती है कि वन हाइफा विच इज ऑफ माइनस स्ट्रेन गेट्स अट्रैक्टेड टू द हाइफा ऑफ प्लस स्ट्रेन. एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के बाद दे सेंड, ये एक हाइफा है, दे सेंड जाइगोफोर. जाइगोफोर से क्या मतलब है, ये एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, ये इस तरह की ब्रांचेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के लिए दे सेंड टू डिफरेंट ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और फाइनली ये ब्रांचेस जो हैं, ये एक प्लस है, ये माइनस है, ये डिवाइड हो जाती हैं दो में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. ये बेसल पोर्शन को हम सस्पेंसर कहते हैं और इसको हम गैमिटेंजियम कहते हैं. दिस इज द गैमिटेंजियम ऑफ माइनस स्ट्रेन हाइफा, दिस इज द गैमिटेंजियम ऑफ प्लस स्ट्रेन हाइफा, दिस इज द सस्पेंसर ऑफ प्लस स्ट्रेन का सस्पेंसर है. तो कहने का मतलब ये है, ये क्योंकि दो में बताना है, दोनों के केस में दो हाइफे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे और इन हाइफे को हम शुरू में प्रोगैमिटेंजिया कहते हैं क्योंकि यही अल्टीमेटली गैमिटेंजिया बनाएंगे. ये प्रोगैमिटेंजिया में एक सेप्टम से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. बेसल पोर्शन को हम सस्पेंसर कहते हैं और टर्मिनल पोर्शन को हम गैमिटेंजियम कहते हैं. दिस इज द गैमिटेंजियम ऑफ हाइफे ऑफ माइनस स्ट्रेन, दिस इज द गैमिटेंजियम ऑफ हाइफे ऑफ प्लस स्ट्रेन. तो प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन की हाइफे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए, धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो इसका गैमिटेंजियम है ये इसके गैमिटेंजियम से कॉन्टेक्ट करेगा, सस्पेंसर पीछे रह जाएगा, ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा और अल्टीमेटली तीसरे वाले डायग्राम में आप देखेंगे दिस इज द सस्पेंसर, दे प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी टेक्स प्लेस हियर. तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज दिस हेटरोथेलिज्म फिनोमेनन. हेटरोथेलिज्म फिनोमेनन व्हेन टू हाइफे ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स कम नियर ईच अदर एंड दे फॉर्म ए सस्पेंसर एंड गैमिटेंजियम ईच एंड इनके दोनों के गैमिटेंजिया एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, द वॉल बिटवीन दीज टू डिजॉल्व्स एंड ए कॉमन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड हियर जिसको हमने कहा जाइगोस्पोरेंजियम. अब इस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया. ये प्रोटोप्लाज्म हमने ब्लू से पहले भी दिखाया था, ये प्रोटोप्लाज्म है और दोनों के न्यूक्लियाई आपस में मिक्स हो गए. इनके न्यूक्लियाई जो ब्लैक से दिखा रखे, इसके न्यूक्लियाई भी मिक्स हो गए एंड फाइनली हियर दीज न्यूक्लियाई दे फ्यूज विथ ईच अदर और फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ये फाइनली, तो ये स्ट्रक्चर एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है और ये राउंड स्ट्रक्चर इट बिकम्स ऑर्नामेंटेड. ऑर्नामेंटेड क्या, इसकी वॉल बहुत थिक हो जाती है और थिक वॉल होने से ये एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जिसको जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं. जाइगोस्पोरेंजियम को अगर आप इंटरनली देखेंगे, इस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर जाइगोस्पोर होगा, एक सिंगल लेयर थिक वॉल का जाइगोस्पोर होगा और इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो 2x हैं क्योंकि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी इसके अंदर हो गई है. तो ये जो जाइगोस्पोर है ये इसी तरह से पड़ा रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि जब तक जाइगोस्पोर बनता है तब तक इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो चुकी होती हैं, क्योंकि आपको याद है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट ही तब होता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं रह जाती हैं. बाय द टाइम जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड और जाइगोस्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड तब तक इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहती हैं. इस वजह से ये जो जाइगोस्पोर है या जाइगोस्पोरेंजियम है इट डज नॉट जर्मिनेट
जर्मिनेट नहीं करता है, ये इसी तरह से पड़ा रहता है, और पड़े रहने के बाद जब ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दिस जाइगोस्पोर इट जर्मिनेट्स, जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा कि ये जो जाइगोस्पोर है इस ये जर्मिनेट करता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद इनसाइड दिस यू नो दैट दिस इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मियोसिस हो जाती है। मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन है, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं ये हैप्लॉइड हो जाते हैं इसके अंदर, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर हमेशा तब तक नहीं जर्मिनेट होता जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहती। तो एक बात याद रखने की ये भी है कि इस फंगस को जिंदा रखने के लिए, इसकी स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए, इसकी इंडिविजुअल्स को जिंदा रखने के लिए जाइगोस्पोर एक मेथड ऑफ पेरिनेशन भी है। मेथड ऑफ पेरिनेशन का मतलब है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है, बाकी हाइफी सब खत्म हो गए, इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव नहीं करे, लेकिन फंगस फिर भी जिंदा है इन द फॉर्म ऑफ दिस जाइगोस्पोर। एंड ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, फिर ये बाद में जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो गई ये जर्मिनेट करता है, एक हाइफा लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है जर्मिनेशन से, इसका सारा प्रोटोप्लाज और न्यूक्लियाई यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ स्पोरेंजियम अगेन। तो हमेशा ये याद रखें कि जब भी जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है, ये जर्मिनेशन से पहले एक जर्म ट्यूब बनाएगा, जर्म ट्यूब ग्रो करके टर्मिनल एक सोलन स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको फिर हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और स्पोरेंजियम में फिर वही कॉलुमेला डेवलप होगा और टर्मिनल पोर्शन में फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स इसके अंदर बन जाएंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बन जाएंगे, और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स क्योंकि हैप्लॉइड मियोसिस हो चुकी है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल के फिर से हाइफी बना देते हैं। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, स्टार्ट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेटरोथेलिज्म का फिनोमिनन हमें दिखता है, प्लस और माइनस स्ट्रेन का, और जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन जिस टाइम होता है उस समय मियोसिस की प्रोसेस होगी, मियोसिस होने से फाइनली डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं करता है बल्कि इसमें स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर फिर से स्पोरेंजियोस्पोर्स इसमें बनते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स फिर से हैप्लॉइड थैलाई मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट हाइफी बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं और उसमें स्टोलन्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। दिस इज ऑल अबाउट राइजोपस, थैंक यू वेरी मच। राइजोपस के बारे में अभी आपने पढ़ा, इसको देखने के लिए नेचर में ये फंगस किस तरह से दिखता है इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये राइजोपस का के स्टोलन्स हैं, और स्टोलन्स के साथ साथ इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है स्पोरेंजियो स्पोर्स, स्पोरेंजिया और वेजिटेटिव माइसीलियम। इससे पहले वाली डायग्राम में आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में, और क्लासिफिकेशन आपने देखा, क्लासिफिकेशन आप किसी एक साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग लोगों ने अपने अपने क्राइटेरिया देके बताया है। इसके बाद आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर इसका किस तरह से दिखता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जिसमें अगर आप इसको हाई रिजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हर हाइफा के अंदर आपको बहुत सारी वैक्यूल्स दिखाई पड़ेंगी और बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई पड़ेंगे, साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ेगा, और इस ये तीसरा डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, जो कि टिपिकल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस सब कुछ है,
तो इसीलिए इसको हमने यू माइकोटा में रखा है। इसके बाद ये एक डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, राइजोपस का डिटेल डायग्राम, जिसमें आपको बहुत क्लियर कॉल्यूमेला और इसके साथ स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्टोलन्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स का डहिसेंस, किस तरह से स्पोरेंजियम रप्चर हो गया और स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल के आ गए हैं, ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये जो डायग्राम है इसमें आप एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि एसेक्सुअल साइकिल का स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअल साइकिल किस तरह से पूरा होता है, वेजिटेटिव हाइफी है, वेजिटेटिव हाइफी ने स्पोरेंजियोफोर्स बनाए, स्पोरेंजियोफोर्स के टिप में सोलन स्ट्रक्चर बन गए जिनको हमने स्पोरेंजिया कहा। स्पोरेंजिया के अंदर कॉल्यूमेला डेवलप हुआ और ऊपर वाले पोर्शन में को हम स्पोरेंजियम कहेंगे और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स जब स्पोरेंजियम के रप्चर होने से बाहर आते हैं तो आप जर्मिनेटिंग स्पोर को देख रहे हैं। जर्मिनेटिंग स्पोर एक जर्म ट्यूब बनाता है और फिर इसकी ये पूरा हाइफा, सिनोसिटिक हाइफा बना देता है लेटर स्टेजेस में। इस तरह से इनका एसेक्सुअल साइकिल जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी इस फॉर्म में चलता रहता है। एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का है, जो कि गैमिटेंजियल कॉपुलेशन के मेथड से होता है। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में स्पीसीज जनरली हेटरोथैलिक हैं। आप दो डायग्राम देख रहे हैं जो एक एक थैलस, अलग अलग थैलस ने स्पोरेंजियो स्पोर्स बनाए। स्पोरेंजियो स्पोर्स के जर्मिनेशन से दो अलग थैलाई में जो स्पोरेंजियो स्पोर्स बने वो बाहर निकल के उन्होंने दो अलग थैलाई बनाए। एक प्लस स्ट्रेन का थैलाई माना हमने, दूसरा माइनस स्ट्रेन का थैलाई माना, जिसको मेटिंग टाइप, एक मेटिंग टाइप और दूसरा मेटिंग टाइप, एक ब्लू से और एक ग्रीन से दिखाया है। ब्लू और ग्रीन वाले जो मेटिंग टाइप है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया है, एक प्लस स्ट्रेन का है एक माइनस स्ट्रेन का। जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनका टर्मिनल पोर्शन जो आपस में जुड़ता है उसको हम गैमिटेंजिया कहते हैं, बेसल पोर्शन को हम सस्पेंसर कहते हैं और इनके एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं और उसके अंदर जाइगोस्पोर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है आफ्टर प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होने के बाद राइजोपस के केस में कुछ मंथ्स चाहिए होते हैं, ये रेस्टिंग पीरियड में होता है। रेस्टिंग पीरियड में दो तीन महीने रहने के बाद तब इसमें मियोसिस होती है। यही एक बड़ा मेजर डिफरेंस है राइजोपस और म्यूकर में। म्यूकर में इमीडिएट जर्मिनेशन जाइगोस्पोर का होता है, जबकि राइजोपस के केस में एक से तीन महीने तक ये रेस्टिंग स्टेज में रहता है और जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब ये जर्मिनेट करेगा जाइगोस्पोर। जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर आप देख रहे हैं कि ये एक स्पोरेंजियम बनाता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं होता बल्कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी टिप में स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तब एक फिर से एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम बन जाता है। एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम फिर से वो साइकिल रिपीट करता है अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो ये हमेशा स्पोरेंजियो स्पोर से रिप्रोडक्शन करेगा और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से रिपीट इसमें होगा। इसीलिए ये स्पीसीज को हम हेटरोथैलिक स्पीसीज कहते हैं, कुछ स्पीसीज इसकी होमोथैलिक भी हैं। पूरी लाइफ साइकिल इसकी इस तरह से कंप्लीट होती है। हेटरोथैलिक मेजॉरिटी केस में राइजोपस की मेजॉरिटी स्पीसीज जो हैं हेटरोथैलिक हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस सेक्सुअलिस होमोथैलिक स्पीसीज हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसके ज़्यादातर स्पीसीज हेटरोथैलिज्म का फिनोमिनन दिखाती हैं। इसका अगला जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें पूरी लाइफ साइकिल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल का एक
एंड कंसाइज डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं, उसी को डिटेल में यहाँ पर दिखाया गया है। राइजोपस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कुछ स्पीसीज ह्यूमन पैथोजन भी होती हैं। ह्यूमन पैथोजन से मैं वो एक डिजीज कॉज करती हैं जिसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है राइजोपस एराइजस और राइजोपस माइक्रोस्पोरस, ये दो स्पीसीज ह्यूमन पैथोजन भी हैं। पहले आपने देखा है कि राइजोपस स्टोलोनिफर एक फंगस की स्पीसीज है जो कि टोमाटो, एप्पल, स्वीट पोटैटो और कई सारी बेरीज में डिजीज, रॉट डिजीज कॉज करती है। कुछ स्पीसीज राइस के सीडलिंग्स में भी ब्लाइट की डिजीज पैदा करते हैं। और लेकिन इसके इसका गुड अच्छा पार्ट यह है कि राइजोपस की कुछ स्पीसीज फर्मेंटेड फूड में फ्लेवर डालने के लिए यूज होती हैं, जैसे टेम्पे एंड और टोफू, ये फर्मेंटेड फूड हैं जो कि जापान में, चाइना में और कई कंट्रीज में बड़े डेलिकेसी मानी जाती है। वो फर्मेंटेड फूड को फ्लेवर करने के लिए राइजोपस की कई स्पीसीज काम में लाई जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात राइजोपस के बारे में है कि इसमें राइजोटॉक्सिन नाम का एक पॉइजनस सब्सटेंस, या जिसको माइकोटॉक्सिन हम बोलते हैं, वो भी इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये माइकोटॉक्सिन एक्चुअली सिंथेसाइज होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। वो बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है कि वो बैक्टीरिया इसमें इसके साइटोप्लाज्म में, राइजोपस के साइटोप्लाज्म में एंडोसिम्बायोटिकली, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। तो हम जब भी उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें राइजोपस के ही स्ट्रेन्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में ये बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है एक राइजोटॉक्सिन। तो इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।